इग्नू में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो होता है पेपर का बैक लगना। बहुत बच्चों का मैसेज आता है मेरा 5 पेपर बैक है, मेरा 6 पेपर बैक है, मेरा 10-10 पेपर बैक है। तो होता क्या है, जब बच्चे इग्नू में BCA या MCA में एडमिशन लेते हैं या कोई भी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं टेक्निकल प्रोग्राम में, तो ये सोचते हैं कि सपोज़ मुझे BCA करना है, मैं BCA में एडमिशन लिया तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बन गया हूँ अभी से। तो होता क्या है, स्टार्टिंग से ही प्रोग्रामिंग पेपर पे ध्यान देना स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्चुअल पेपर पे ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट करते हैं, बाकी सब पेपर को भूल जाते हैं। तो भाई अगर आपको टाइम पे पेपर निकालना है तो सारे पेपर को इक्विवेलेंट रूप से आपको वो देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, तो ही आपकी पेपर सही टाइम पे निकलेगी। ऐसा नहीं है कि आप प्रोग्राम के चक्कर में लग गए हो बाकी सब पेपर पे ध्यान नहीं दे रहे हो। होता क्या है, कोई भी प्रोग्रामिंग सीखने में, चाहे आप जावा पढ़ रहे हो, C++ पढ़ रहे हो, ऑरेकल पढ़ रहे हो, तो कोई भी एक पेपर अगर अच्छे से आप पढ़ते हो तो कम से कम 6 महीने लग जाती है जावा को अच्छी तरीके से समझने में, 6 महीने भी कम है। तो अगर सारा फोकस आप जावा पे, सारा फोकस आप C++ पे, सारा फोकस आप ऑरेकल पे लगा दोगे तो बाकी पेपर कौन निकालेगा, तो बैक तो लगेगी ही लगेगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, खिचड़ी बन के रह जाती है, ना आपका टेक्निकल पेपर निकल पाता है, ना आपका थ्योरी पेपर निकल पाता है। तो सारे पेपर को ध्यान से पढ़ो, सारे पेपर को एक इक्विवेलेंट टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट करो, सबको एक समान टाइम दो। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको सी पे ज़्यादा टाइम देना है, थ्योरी पे कम टाइम देना है, सबको लगभग लगभग समान टाइम दो। थोड़ा सा आप टेक्निकल पेपर को, प्रोग्रामिंग पेपर को आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो, बट पास करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है किसी भी सेमेस्टर में, किसी भी कोर्स में। तो टाइम पे पास करने की कोशिश करो, 6 महीना एक्स्ट्रा चला गया तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। 3 साल का BCA मतलब 3.5 साल में भी कंप्लीट कर लेते हो तो कम से कम एक सही टाइम पे आप लोग कंप्लीट करते हो। होता क्या है, और एक मेन प्रॉब्लम देखा जाता है कि बैक पेपर का लोग ना, सपोज़ 4-5 बैक पेपर है तो एक साथ ही भर देते हैं। एक सेमेस्टर में 2 से ज़्यादा बैक पेपर मत फिल किया करो। 2 से ज़्यादा बैक पेपर का आप दोगे तो बाकी और भी तो पेपर है, पता चला करंट जिस सेमेस्टर में हो उसका फिर से बैक लग गया। तो बैक पेपर को 2 से ज़्यादा मत दिया करो, 2 पेपर 2 को मतलब लेके चला। एक्चुअली बैक लगने का ये सोचो ही नहीं कि मुझे बैक लेके आना है, अगर फिर भी बैक देना है तो 1 या 2 पेपर मैक्सिमम लेके चलो और करंट में जितने पेपर्स हैं उसको निकालते जाओ। अगर बैक से बचना है तो ब्लॉक वाइज, सारे ब्लॉक वाइज को डिटेल में पढ़ो और 5 साल के क्वेश्चन को कर डालो तो इजिली आप पास कर जाओगे। पास करना कोई टफ नहीं होता है, बट पैटर्न से आप लोग स्टडी नहीं करते हो। ब्लॉक वाइज पढ़ो, ब्लॉक में पॉइंट, जितना भी पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, पैराग्राफ्स है, सारे को स्टडी करो। काफ़ी टाइम होता है आप लोगों के पास लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हो। और 5 साल के क्वेश्चन को कर डालो तो इजिली आप लोग पास कर सकते हो, पास कर जाओगे। कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का आईडी है SafarWithMayank, SAFAR सफर WITH with MAYANK Mayank। तो जल्दी मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।